मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अर्जुन सिंह। पाठ का परिचय है देशभक्ति की भावना हमारे बच्चों के मन में समाई हुई है। बच्चों को महान देश प्रेमियों के बारे प्रेरित करना ताकि हमारे देश के रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। अब हम देखेंगे अर्जुन सिंह की कहानी। अर्जुन सिंह एक छोटा सा बालक था। माता पिता और उनकी बहन बहुत ही प्यार करते थे। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें माता पिता और सिर्फ उनकी बहन थी। एक दिन अर्जुन अचानक बीमार हो गए। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। माता पिता और उनकी बहन तीनों बहुत परेशान हो गए, परेशान हैरान हो गए। माँ ने अर्जुन को इधर उधर की चीजें खाने से मना कर दिया, अर्थात बाहर की चीजों को खाने से मना कर दिया। तब अर्जुन को गुड़ और चना खाने की बहुत इच्छा हुई। उसकी बहन को उसका यह दुख देखा नहीं गया और उसने चुपके से अपने भाई के लिए गुड़ और चना ले आई। कुछ दिनों के बाद अर्जुन का बुखार ठीक हो गया। भाई के मन में बहन के प्रति और ज्यादा प्रेम की भावना गहराई हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला था। कौमी अर्थात स्वदेशी, अपना देश, जिसका झंडा का जुलूस निकलने वाला था। जुलूस अर्थात लोगों का भीड़, लोगों का समूह। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद, आनंद में खुशी और उत्साह की भावना समाई हुई थी। देश का वायसराय नहीं चाहता, वायसराय अर्थात हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजी था, जो नहीं चाहता था कि हमारे देश में ये तिरंगा झंडा लहराया जाए। उसने सभी लोगों को आदेश दिया कि देश में तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाए। तब बहन ने अपने भाई से पूछता है कि ये वायसराय कौन है। वायसराय जो कि अंग्रेजी व्यक्ति था, फिर भी बहन ने बड़ी उत्साह से अपने भाई को कहता है कि नहीं भैया, अब हम लोग ठान लिए हैं कि हमें जुलूस निकालना ही होगा। भाई ने बहन को समझाता है कि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम में था, अर्थात अंग्रेजों के अधीन में था। हम लोग अंग्रेजों के द्वारा जो बताते थे बस उन्हीं कामों को हम लोग उनके आदेश पर हम लोग चलते थे। अपनी बहन को वह समझाता है। दोनों भाई बहन में ये जुनून देकर के, ये उत्साह देकर के कि हमें अपने देश में राष्ट्रीय झंडा लहराना है तो लहराना है, उन्होंने अपने मन में ये बात ठान ली। और बहन ने अपनी एक सफेद चुन्नी से तीन दोनों ने मिलकर एक बहुत सुंदर तिरंगा झंडा बनाया और उसको एक साधारण डंडा में लटका दिया। झंडा बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लग रहा था। अब भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा, अर्थात दाहिने हाथ में झंडा पकड़ा और जुलूस में जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी बहन भी जाना चाहती थी लेकिन उसके भाई ने उससे मना किया कि ये जो भीड़ है, जुलूस का जो भीड़ है, लोगों की बहुत भीड़ होगी, इसलिए उसने मना कर दिया। तब उसका भाई चाहता था कि उसकी बहन उसे चंदन का टीका लगाकर, रोली का टीका लगाकर उसको विदा करे और उसने बड़े प्यार से अपने भाई को चंदन का टीका लगा करके जुलूस के लिए विदा करती है। थैंक यू।